क्या आपको पता है वो कौन सा कुत्ता है जिसको किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है? क्या आप जानते हैं कुत्ते की वो कौन सी ब्रीड है जिसको घरों में पालना बैन है? वैसे तो ज्यादातर लोगों को कुत्ते पसंद होते हैं और वो उनको घरों में भी पालते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं और ये गुस्से में कई बार लोगों पर जानलेवा हमला कर देते हैं। तो अगर आप अपने घर में कुत्ते पालने का मूड बना रहे हैं तो उसके पहले हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। नंबर 12, द ग्रेट डेन। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे लंबे ब्रीड के डॉग से। ये घर में लोगों के बीच बड़े प्यार और आराम से रह सकते हैं। अगर इनको ठीक से ट्रेन किया जाए तो इनसे ज्यादा केयरिंग और लविंग पेट और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये भी सच है कि अगर इनको ठीक से ट्रेनिंग ना मिले तो ये खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। इनके खतरनाक हमलों की वजह से ही इस डॉग को किलिंग मशीन कहकर भी बुलाया जाता है। इनका बड़ा और भारी शरीर इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी मदद से ये गुस्सा आने पर किसी को भी काफी दूर तक नोचते और सीटते हुए खींच कर ले जाते हैं। नंबर 11, अलास्कन मालाम्यूट। इस ब्रीड के कुत्ते नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जो भेड़िए की तरह दिखाई देते हैं। इनका नेचर शांत होता है और ये लविंग होते हैं, जिनको लोगों और बच्चों के साथ रहना पसंद होता है। अगर आप इनको घर में पालते हैं और घर में कोई दूसरा कुत्ता भी है तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि दूसरे कुत्ते को ज्यादा प्यार मिलता देखकर कई बार इनको गुस्सा आ जाता है और ये अपने आप इसे बाहर हो जाते हैं। भेड़िए की तरह दिखने वाले ये कुत्ते अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। ये अपने मालिक की जान बचाने के लिए किसी पर भी हमला कर सकते हैं। वैसे तो इनके लोगों पर हमला करने के केसेस कम ही है, लेकिन इस बात से इनके किलिंग एटीट्यूड को कम नहीं आंका जा सकता। नंबर 10, बुली कुत्ता। इस कुत्ते को बीस्ट ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम ही ऐसा है कि उसके आगे हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये डॉग काफी अच्छे शिकारी होते हैं और इनके गुस्सैल स्वभाव की वजह से इन्हें इंडिया और पाकिस्तान में फाइटिंग डॉग का भी दर्जा मिला हुआ है। इस कुत्ते को पालने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये इंसानों और दूसरे कुत्तों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। दूसरे कुत्तों के साथ पहले तो ये खेलते हैं और कुछ ही देर में वो प्यार लड़ाई में बदल जाती है। वो डायलॉग इन पर खूब फिट बैठता है। भैया, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। नंबर 9, डॉबरमैन पिंचर। ये कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है भाई, ये है पूरा पुलिसिया डॉग, जो कि फेरोशियस है, तगड़ा है और काफी तेज है। 28 इंच की लंबाई और 40 से 45 किलो वजन के साथ ये कुत्ता बिना किसी डाउट के एक पावरफुल क्रिएचर है। इनके पास अच्छी खासी ताकत होती है, इसीलिए इनको जल्दी ट्रेन करना जरूरी हो जाता है, ताकि ये अपनी पावर का किसी इंसान पर गलत इस्तेमाल ना करे। कई बार प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद भी ये लोगों पर हमला कर देते हैं। अगर आपको डॉबरमैन पिंचर को पालना है तो पहले तो खुद ही डिसिप्लिन बनिए, वरना एक पोमेरियन डॉग को लेकर ही खुश रहिए। नंबर 8, बॉक्सर। वैसे तो नेचर से कुत्ते गुस्सैल स्वभाव के नहीं होते हैं, लेकिन ये काफी ताकतवर और एनर्जेटिक होते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी गुस्से के रूप में बाहर आती है। कई बार इस ब्रीड के कुत्तों का शिकार छोटे बच्चे बनते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि उनको कुत्ते के साथ कैसे बिहेव करना है, जिसका नतीजा खतरनाक साबित होता है। जो लोग इनको पालते हैं उनका मानना है कि ये कुत्ते फ्रेंडली, लॉयल और प्लेफुल होते हैं, लेकिन ये बात तब तक ही सही है जब तक इनका मालिक इनको सही से ट्रेनिंग दे रहा हो। खराब मालिक और खराब ट्रेनिंग के साथ ये इतने खतरनाक हो जाते हैं कि आप शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। नंबर 7, वुल्फ डॉग। कुत्तों की ये ब्रीड वोल्फ और डॉग का हाइब्रिड है। दिखने में जितने खतरनाक ही कुत्ते दिखाई देते हैं, असल में ये उतने ही खतरनाक होते भी हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दे कि इन खूंखार कुत्तों को अमेरिका के कई राज्यों में पालने पर रोक है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति पर कभी भी हमला कर देते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1979 से 1996 के बीच में कुत्तों के काटने से जितनी भी मौतें हुई है उनमें 7% मौतों के जिम्मेदार सिर्फ वोल्फ डॉग थे। इन कुत्तों के स्वभाव पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये ट्रेनिंग के बाद भी अपने मालिक और अनजान लोगों पर हमला कर सकते हैं। आपका वोल्फ डॉग के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, साइबेरियन हस्की। ज्यादातर हस्की सोशल और फ्रेंडली होते हैं। इनको लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद आता है। अगर आप किसी हस्की के मालिक से उसके नेचर के बारे में पूछेंगे तो शायद उनका जवाब होगा कि उनका पेट काफी इंटेलिजेंट और लविंग है, इंसानों के लिए भी और दूसरी ब्रीड के कुत्तों के लिए भी। लेकिन हस्की ऐसा डॉग है जो काफी एक्टिव रहता है और एनर्जी से भरा रहता है, जिसकी वजह से इनको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और जब इनको गुस्सा आता है तब ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। अगर कुछ घटनाओं के रिकॉर्ड
उठाकर देखे तो इन कुत्तों के गुस्से का शिकार ज्यादातर बच्चे हुए हैं। अगर घर में बच्चे हैं और हस्की जैसा कुत्ता है तो दोनों को साथ रखना खतरे से खाली नहीं है। नंबर 5, इंग्लिश मैस्टिफ। वैसे तो इस ब्रीड के कुत्ते लोगों के साथ लविंग ही होते हैं, लेकिन कई दूसरे बड़े कुत्तों की तरह इनको भी गुस्सा आने का सेम रीजन है। या तो इनको ट्रेनिंग सही तरह से नहीं दी जाती है, या फिर ये भी काफी एक्टिव होते हैं, जिनका एनर्जी अग्रेशन बनकर बाहर आता है। इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनको लोगों के साथ रहने की, उनसे घुलने मिलने की ट्रेनिंग दी जाए। कई बार ये भी देखा जाता है कि एक कुत्ते अपने परिवार के लोगों के लिए ओवर पोजेसिव हो जाते हैं और ऐसे में भी ये लोगों पर अटैक कर देते हैं। 30 इंच की लंबाई और करीब 73 से 104 किलो वजन के साथ ये कुत्ते अगर एक बार किसी पर भी हमला कर दे तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है। अगर आप इंग्लिश मैस्टिफ को अपना पेट बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार और जरूर सोच ले। नंबर 4, बुलडॉग। कुछ समय पहले बुलडॉग के बारे में कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये कुत्ता दुनिया के सबसे नासमझ कुत्तों में से एक है। इसके बाद लोगों में बातें होने लगी कि क्या इस कुत्ते के नासमझ होने से इनके अग्रेसिव होने पर कोई फर्क पड़ता है। तो एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि इनको दी गई कमांड को ये इसीलिए थोड़ा देर से सुनते हैं क्योंकि ये जिद्दी होते हैं, ना कि नासमझ। ये तब तक किसी की बात नहीं मानते जब तक ये उस व्यक्ति को ठीक से जानते ना हो। अपनी इस जिद की वजह से ये ठीक से ट्रेन नहीं हो पाते और इसका नतीजा आता है कि ये किसी को भी घायल कर देते हैं। इनको घर में लाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि इनको लोगों के साथ रहने का तरीका पता हो, क्योंकि ये गुस्सैल और जिद्दी होते हैं तो इनको बच्चों के आसपास छोड़ने का तो सोचना भी गुनाह है। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड्स। कई लोग इन कुत्तों को पुलिस वाले कुत्ते के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर आपको पुलिस टीम के साथ ही देखने के लिए मिलेंगे। ये काफी आक्रामक किस्म के कुत्ते होते हैं जिनका बाइट फोर्स करीब 108 किलोग्राम के लगभग होता है। अगर ये एक बार किसी को अपने शिकंजे में ले लेते हैं तो उसको आसानी से छोड़ते नहीं है। आपको बता दे कि इस कुत्ते को कई देशों में पालने पर प्रतिबंध है, लेकिन इंडिया में इसको आसानी से घरों में पाला जा सकता है। इनकी एक खासियत ये होती है कि अगर ये एक बार किसी की स्मेल सूंघ लेते हैं तो उसको कई किलोमीटर तक फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, रॉटविलर। कुत्ते की ये ब्रीड सिर्फ महंगी ही नहीं खतरनाक भी है। इस कुत्ते को खरीदने के लिए आपको 15,000 से 40,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। रॉटविलर काफी कम टाइम में लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। अरे इसीलिए नहीं कि ये बहुत प्यारा और इंटेलिजेंट है, बल्कि ओरिजिनल कारण है इसका अटैकिंग एटीट्यूड। यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि कुत्ते की ये प्रजाति वैसे तो अच्छे नेचर की ही है, लेकिन जब बात आती है अपने मालिक की रक्षा करने की तो ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कई बार अपने मास्टर की सिक्योरिटी के लिए ये डॉग्स लोगों पर तुरंत हमला कर बैठते हैं। मतलब लॉयल्टी तो कूट कूट के भरी है बंदे में। अगर आप घर के लिए कोई गार्ड डॉग ढूंढ रहे हैं तो रॉटविलर बिल्कुल सही ऑप्शन है। नंबर 1, पिट बुल टेरियर। इस ब्रीड के कुत्ते सबसे ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं। इनके खतरनाक होने का अंदाज आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि ये कई देशों में इनको घरों में पालने पर प्रतिबंध है, लेकिन अमेरिका के अलावा कुछ और देशों में इनको अभी भी पाला जाता है। अलग अलग देशों में इनको खरीदने का दाम अलग अलग है। अगर आप इसको इंडिया में खरीद रहे हैं तो इसके लिए आपको 9,000 से 80,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। वैसे तो पिटबुल का वजन 30 किलो तक ही होता है और लंबाई करीब 15 से 20 इंच के बीच में ही होती है, लेकिन इनकी बॉडी मस्कुलर होती है जिसकी वजह से ये भारी वजन को भी आसानी से खींच सकते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये एक बार किसी को काटने लगते हैं तो फिर इनका जबड़ा खुलवाना नामुमकिन है। अगर आप भी घर में कोई कुत्ता पालने का सोच रहे हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि किसी भी ऐसे कुत्ते को घर में ना लाए जो बहुत एग्रेसिव हो, और किसी भी कुत्ते को घर में लाने से पहले उसको ट्रेन जरूर कर ले ताकि घर के किसी सदस्य को किसी दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े, और छोटे बच्चों को तो कुत्तों के आसपास अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े। तो आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करें।